नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों हम लोग जो है एंजाइम्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एंजाइम वाज गिवेन बाय वाज क्वाइंड बाय, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोहने इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए कह रहा है एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज, सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड कह रहा है द एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईस्ट बाई बुचनर वाज, थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर कह रहा है कि फोर्थ देखते हैं हम लोग, एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ, फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव की कह रहा है एंजाइम्स इनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाई, फिफ्थ फाइव का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कोएगुलेट केसिन, सिक्स का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा रेनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन एंजाइम्स आर अब्सेंट इन, सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट ए कह रहा है बुचनर प्रूव्ड दैट इट इज नॉट लिविंग ईस्ट बट ए नॉट लिविंग सबस्टांसेस इन इट विच कॉज फर्मेंटेशन दिस सबस्टांस इज, तो एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नाइन एंजाइम आर एसेंशियल इन आवर बॉडी बिकॉज दीज, नाइन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन इन सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टेन केमिकली एंजाइम्स आर, टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इलेवन ई कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ए कह रहा है हु सजेस्टेड दैट एंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस, ट्वेल्व का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमनर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्टीन एंजाइम्स विटामिन एंड हारमोन्स कैन बी क्लासीफाइड इंटू ए सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल बिकॉज ऑल ऑफ दिस, थर्टीन का राइट आंसर क्या होगा, थर्टीन का राइट आंसर हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट वाज गिवेन बाई, फोर्टीन का राइट आंसर क्या होगा, बीडल एंड टॉटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट मीन्स फिफ्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन जीन कंट्रोल वन एंजाइम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड को एंजाइम प्रोड्यूसेस, सिक्सटीन का राइट आंसर क्या होगा, होलो एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच इज ट्रू, सेवनटीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम इज इक्वल टू को एंजाइम प्लस एपो एंजाइम, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एटीन कह रहा है द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 द एंजाइम विच कंबाइंस एंड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ फॉर्म्स ए फंक्शनल एंजाइम इज, 19 का राइट आंसर क्या होगा, एपो एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम इज नोन एज, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपो एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 ए विटामिन दैट एक्ट विद एन एंजाइम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है को एंजाइम FMN एंड FAD आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन एंड 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनेशियस ग्रुप दैट इज इसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 NADP+ इज, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, एको एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए कोएंजाइम। 26 का राइट आंसर क्या होगा, रिबोफ्लोविन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 27, कोएंजाइम ए इज डिराइव फ्रॉम। 27 का राइट आंसर क्या होगा, पैंटोथेनिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द एंजाइम मीडिएटिंग द रिएक्शंस ऑफ क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल आर फाउंड इन। 28 का राइट आंसर क्या होगा, माइटोकांड्रिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 29, ए मेटाबॉलिक एंजाइम इज। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एंजाइम ऑरिजिनेट अकर इन। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 31, ये कह रहा है एन एंजाइम एक्ट बाय। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनीशन फॉर एन एंजाइम। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन एक्ट लाइक बायो कैटालिस्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 33, स्पेसिफिसिटी ऑफ ए प्रोटीन इन एंजाइम एक्शन डिपेंड्स अपॉन। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 34, ए कह रहा है एंजाइम फंक्शनल एट pH 2 इज। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 35, ये कह रहा है एंजाइम्स जनरली हैव। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंट pH एंड डिफरेंट टेम्परेचर ऑप्टिमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एंजाइम फंक्शनल एट pH 6.8 इज। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 37, ये कह रहा है कि 37 देखते हैं द टेम्परेचर रेंज एट विच एंजाइम आर मैक्सिमम फंक्शनल। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30-45 डिग्री सेंटीग्रेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 38, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेटर। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 39, ये कह रहा है कि के एम वैल्यू इज, यानी 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन हाफ ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 40, इनएक्टिव जाइमोजन यानी प्रो एंजाइम्स आर प्रिकर्सर ऑफ ऑल द फॉलोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंजाइम एक्सेप्ट। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिएज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 41, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स इज एक्टिवेटेड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द प्रो एंजाइम फॉर्म। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 42, ये कह रहा है ए प्रोटीन हैविंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक ट्रेट्स इज। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मायोसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 43, ये कह रहा है राइबोजाइम इज। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए कैटालिटिक आरएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 44, एंजाइम्स डिफरिंग इन मॉलिक्यूलर वेट एमिनो एसिड कंपोजिशन एंड इन देयर सीक्वेंसेस बट हैविंग द सेम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एंड आर नोन एज। 44 का राइट आंसर क्या होगा, आइसो एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 45, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज यानी LDH दैट टेक्स पार्ट इन कैटालाइज ऑफ पाइरूवेट टू लैक्टेट इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसो एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 46, एन एग्जाम्पल ऑफ आइसो एंजाइम्स इज। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा एमाइडेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 47, ये कह रहा है एन एक्टिव साइट कैन बी कॉल्ड एज। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होल्ड द सबस्ट्रेट
ड्यूरिंग रिएक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फॉर्म बाय ए फ्यू ऑफ एंजाइम। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यार, ग्रुप ऑफ द एमिनो एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। All the following correctly describe the active site of an enzyme except 49 का राइट आंसर क्या होगा, इट इज टू डाइमेंशनल इन स्ट्रक्चर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 50। ये कह रहा है सबस्टांसेस विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन एलोस्टेरिक साइट्स आर कॉल्ड। 50 का राइट आंसर क्या होगा, मॉड्यूलेटर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 51। ये कह रहा था सबस्टांसेस विच इनएक्टिवेट्स एन एंजाइम बाय चेंजिंग इट्स शेप इज कॉल्ड। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलोस्टेरिक इनहिबिटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एंजाइम। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 53। ये कह रहा है कि एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज इज। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइएस्टेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कैटालिटिक एक्टिविटी। 54 का राइट आंसर क्या होगा, आरएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। 55 का राइट आंसर क्या होगा, रेनिन यानी केसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। ये कह रहा है इन ए सेल डाइजेस्टिव एंजाइम मोस्टली अकरिंग। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइसोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 57। डिस्टेज टेक्स पार्ट इन डाइजेशन ऑफ। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार्च इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 59। ये कह रहा है हाउ मेनी क्लासेस ऑफ एंजाइम्स आर इन आईयूबी सिस्टम। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 60। ये कह रहा है एंजाइम्स ब्रिंगिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड पेप्टाइड आर। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 का राइट आंसर हाइड्रोलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है एस्टरेसिस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 62। विच एंजाइम ब्रिंग अबाउट क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 63। एंजाइम्स कैटालाइजिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रुपिंग विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ एटम्स इज। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोमेरेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है एमाइलेज इज एन एग्जांपल ऑफ। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज एम्प्लाइड फॉर। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 66। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन वाज गिवन बाय। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमिल फिशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 67। Which of the following is the best evidence for the lock and key model of action enzyme action? 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपाउंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रेट इनहिबिट द रिएक्शन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसलैंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69। द सबस्टांस विच इनएक्टिवेट्स एन एंजाइम बाय डीनेचुरेटिंग इज कॉल्ड। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल इनहिबिटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70। टेम्पलेट थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज सपोर्टेड बाय। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपाउंड सिमिलर टू सबस्ट्रेट इनहिबिटिंग एंजाइम एक्टिविटी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71। दे ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम दे रिफर्ड एज।
71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है एंजाइम इनहिबिटर इनहिबिशन कॉज्ड बाय ए सबस्टांस रिसेंबलिंग सबस्टेट मॉलिक्यूलर इज मॉलिक्यूल इज 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इनहिबिशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 73 द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज इनहिबिटेड बाई 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलोनेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा है फॉर द एंजाइम एक्शन 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ के आई इज स्लो इज लो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 75 ये कह रहा है कि ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ए माइटोकांड्रियल एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाई 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 77 द एंजाइम एडिनिन साइक्लेज फ्रॉम ये कह रहा है 77 द एंजाइम एडिनिन साइक्लेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कन्वर्ट 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77 एटीपी टू सीएएमपी ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 78 द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस सिनेप्स 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का राइट आंसर कोलीन एसिटिलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 79 Which is typical examples of feedback inhibition? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज ऑफ बाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 80 ये कह रहा है कि साइनाइड इज ए मेटाबोलिक ये कह रहा है साइनाइड इज ए मेटाबोलिक पॉइजन एज इट 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनहिबिट्स द एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड ब्लॉक्स टिश्यू रेस्पिरेशन ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 81 ए कह रहा है केएम वैल्यू ऑफ एन एंजाइम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन अटेंस 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 वी मैक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीपली एट टेम्परेचर ऑफ 100-108 डिग्री सेंटीग्रेड दे बिलोंग्स टू 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है कि द एंजाइम कंसर्न विद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 84 द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज इंटू एथिल अल्कोहल इज 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइमेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 85 मॉलिब्डेनम इज ए कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रेट रिडक्टेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 86 एंजाइम विच हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइटोक्रोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 87 ये कह रहा है द को एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसमिनेशन रिएक्शंस इज यानी कि 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 88 ऑल द फॉलोइंग आर एलोस्टेरिक एंजाइम एक्सेप्ट 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 89 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब एलोस्टेरिक एंजाइम्स 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्टर्स में इनहेंस और इनहिबिट सबस्ट्रेट बाइंडिंग ऑप्शन टी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 90 असर्शन दिया है को एंजाइम इज ए नॉन प्रोटीन ग्रुप विदाउट विच एंजाइम आर इनएक्टिव आर इनकम्प्लीट रीजन दिया है को एंजाइम नॉट ओनली प्रोवाइड ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द केमिकल ग्रुप बींग ट्रांसफॉर्म बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 का बोथ ए एंड आर ट्रू आर इज करेक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्म ऑफ क्वेश्चन 91 ये कह रहा है द लॉक एंड की प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू
91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, द फॉर इम्यूनो ट्रांसफरेज द एसेंशियल कोएंजाइम इज, 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइरीडॉक्सिल फॉस्फेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम इज नीडेड टू कन्वर्ट टू मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट इन 5 मिनट, 10 मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम एंड 425 मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट आर मिक्सड इन ए टेस्ट ट्यूब, आफ्टर 10 मिनट द टेस्ट ट्यूब विल हैविंग, 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट एंड एंजाइम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 94 ये कह रहा है कि व्हाट इज कॉमन अमंग एमाइलेज रेनिन एंड ट्रिप्सिन, 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 94 का राइट आंसर दीज आर प्रोटीन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, ए सबस्टांस अनरिलेटेड टू द सबस्ट्रेट दैट रिवर्सिबिलिटी चेंजेस द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम बाय बाइंडिंग एट ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट इज नोन एज, 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलो स्टीरिक मॉड्यूलेटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 96 द एंजाइमेटिक रिएक्शन फॉर विच थायमिन पाइरोफॉस्फेट फंक्शंस एज ए कोफैक्टर इज, 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन 97 द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू एक्ट एज, 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 98 डिक्लाइन इन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज बाई ग्लूकोज 6-5 फॉस्फेट इज कॉज्ड बाई, 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलो स्टेरिक मॉड्यूलेटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 99 ये कह रहा है कि ए मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंजाइम एक्शन ऑन सबस्ट्रेट वाज फॉर्मुलेटेड बाई, 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियोनर मिकैलिस एंड मॉड मेंटन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल्स क्वेश्चन नंबर 100 ई कह रहा है कि एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज द इनहिबिशन ऑफ, 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड मैलोनिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट बायोजोन 2.0 चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, सो मेनी थैंक्स।